जय हिंद। 6 साल की मासूम के साथ किया दुष्कर्म, रोने की आवाज़ सुनकर शख्स ने रंगे हाथों पकड़ लिया। देखिए, रेवाड़ी जिले में 6 साल की मासूम बच्ची को उसके बाप ने ही हवस का शिकार बना डाला। कलयुगी पिता बच्ची को बंद पड़ी एक फैक्ट्री के पास लेकर पहुंचा था, तभी उसके रोने की आवाज़ सुनकर एक शख्स आ पहुंचा और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ धरोड़ा थाना पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का रहने वाला एक परिवार कई सालों से रेवाड़ी के धरोड़ा में किराए पर रहता है। परिवार के सदस्य धरोड़ा में ही फैक्ट्री में काम करते हैं। सोमवार की सुबह उस पिता ने अपनी 6 साल के बेटे को दिल्ली जयपुर हाईवे पर बंद पड़ी साइकिल पेपर मिल में लेकर पहुंचा। पिता उसके साथ गलत काम करने लगा। बच्ची जोर जोर से रोने लगी, तभी पास से ही गुजर रहे विनोद नाम का शख्स मौके पर पहुंचा। उस वक्त आरोपी दरिंदा बच्ची के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहा था। विनोद ने आरोपी को मौके पर ही पकड़कर धरोड़ा पुलिस को सूचित किया। धरोड़ा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जाँच शुरू कर दी है। आगे खबर की बात करेंगे तो आपको बता दें, देखिए एक झोड़ में 3 लाशें मिली हैं। रेवाड़ी जिले के गांव कोसली में एक झोड़ से महिला और उसके 2 बच्चों की लाशें बरामद हुई हैं। तीनों शव पानी में तैर रहे थे। महिला 2 दिन से बच्चों के साथ लापता थी। पुलिस ने तीनों के शव को झोड़ से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जिला अशोकनगर के रहने वाली सीता देवी की शादी कोसली के महेश के साथ हुई थी। उसके 3 बच्चे हैं। महिला का पति महेश गुरुग्राम में नौकरी करता है। 2 दिन पहले सीता देवी अपने बेटा लक्ष्य व बेटी मनीषा के साथ घर से लापता हो गई थी। परिजन तीनों की तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। रविवार को महिला की सास ने पुलिस को शिकायत देकर गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया था। सोमवार की सुबह कोसली मठ के पीछे बने झोड़ में ग्रामीणों ने एक महिला के साथ लाश को पानी में तैरते देखे तो पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पहुंची और उनको निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। आज की खबरें यहीं तक, फिर मिलेंगे हम इस समय। देखते रहे हमारे चैनल को, देखना भूले। धन्यवाद।